Hello everyone. Hello everyone, good evening to all of you. Welcome you to All Amul Facebook page. I'm Ruchi Saxena, founder of RJS Culinary Mumbai Maharashtra से और अमूल के Facebook पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। रेसिपी किसी पर्टिकुलर रेसिपी के साथ बहुत सिमिलर लगेगी, बट सिमिलर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि जो रेसिपी मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ वो एक चाइनीज रेसिपी है। आप लोगों ने सुना होगा बाओबन, जो कि आजकल मार्केट में बिल्कुल ट्रेंडिंग हो रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके लिए, आप सबके साथ में एक ऐसी रेसिपी जो कि मार्केट में भी अवेलेबल है और फ्रोजन में अवेलेबल है, लोग उसको लाके खाते हैं, क्यों ना हम उसे घर पर एकदम फ्रेश बनाकर खाएं। तो इसी तरीके की बाओबन की रेसिपी के साथ में, वो भी कीमा, वेज कीमा। तो नॉन वेज वर्जन में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं वेज कीमा के साथ में फिलिंग देने वाली हूँ। और उस स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगी कि ये रेसिपी चाइनीज रेसिपी है, जो कि मोमो से सिमिलर लगती है, मोमो जैसी, लेकिन मोमो से का जो उसका ब्रेड है वो डिफरेंट होता है। और फिलिंग आप कोई भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं वेज कीमा के साथ में बनाने वाली हूँ। और सेकेंडली इसका जो शेप और साइज होता है, इस फर्मेंटेड ब्रेड के साथ में बनता है, तो जस्ट लाइक अ बर्गर बन, इतना इसका शेप जो साइज होता है इस तरह रखना पड़ता है। मोमो के साइज से डिफरेंट होता है। तो मैंने रेसिपी जो है बनाने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी गाइड कर दी है, तो चलिए भी शुरू करते हैं रेसिपी। उससे पहले देख लेते हैं कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। क्योंकि ब्रेड की इसके लिए रेडी करने के लिए फर्मेंटेड ब्रेड चाहिए, तो यहाँ पर मैं पहले ब्रेड रेडी करूंगी। ब्रेड रेडी करने के लिए ईस्ट बेस्ड ब्रेड होती है ये, तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा। यहाँ पर वार्मिंग मिल्क लेंगे, थोड़ा सा इसे वार्म कर लेंगे। फ्लावर को साइड में रखते हैं। ईस्ट बेस्ड ब्रेड है, तो यहाँ पर मैंने लिया है वार्म मिल्क। जिस कप से मैंने यहाँ पर मैदा लिया था उसी कप से 1/2 कप हेलो वीना जी हेलो यहाँ पर मैंने 1/2 कप ये लिया हुआ है मिल्क। अब मैं इसमें 1 टीस्पून शुगर ले रही हूं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसे थोड़ा सा और वार्म कर लूंगी। आधा कप मिल्क लिया है। हेलो मौसमी जी, हेलो। जी नहीं विनय जी, मैं वहां नहीं गई थी। जी मौसमी जी, आज मैं ये जो रेसिपी है वो बना रही हूँ, बावन कीमा, बावन बावन आजकल मार्केट में फ्रोजन में काफी ब्रांड्स के साथ में अवेलेबल है। तो फ्रोजन लाने से अच्छा है कि अगर हम उसे फ्रेश बनाकर खाएं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, और फ्रेश बनाने के लिए हम अपने हेल्दी वर्जन के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पर शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो गई है मिल्क में, वार्म मिल्क में, और अब हम इसमें डाल रहे हैं ईस्ट। आप सभी ने कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है वो जरूर मुझे कमेंट में बताइए, जिससे मुझे पता चल सके कि आप सब लाइव कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इसे हम थोड़ा कवर करके साइड में रख देंगे। सेकेंड हमारी, जब तक ये फर्मेंटेशन हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे पास है इसकी फिलिंग बनाने के लिए पानी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है, ओके, दिल्ली से हैं आप, यहाँ पर मैंने लिया है एक कप सोया कीमा। जब भी वेज कीमा की बात आती है तो फिर सभी के दिमाग में एक ही चीज आता है कि किससे बनने वाला है, और उसका सब्स्टिट्यूट होता है सोया कीमा, ये सोया ग्रेन्यूल। सोया ग्रेन्यूल को अच्छी तरीके से, इधर मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, तब तक हम यहाँ पर सोया कीमा को बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब चूंकि इसको सोक करना जरूरी होता है, तो यहाँ पर सोक करने के लिए हमारे पास है गर्म पानी। अच्छे से गर्म कर लिया ताकि ये जल्दी हो जाए पूरा, बहुत जल्दी है। इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएगा, देख सकते हैं सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अभी इसको छान लेंगे। काफी गर्म है तो आराम से इसे इस तरीके से छान लेंगे।
सारा पानी जो है वो स्क्वीज कर देंगे। यहाँ पर अभी मैं बाव बन की फिलिंग बना रही हूँ। डो कैसे लगाना है वो मैं अभी आपके संग शेयर करूंगी। इसके पानी को अच्छे से निचोड़ देंगे, बिल्कुल पानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें जो फिलिंग चाहिए वो ड्राई चाहिए। साइड में रख देते हैं। ईस्ट देख सकते हैं, ईस्ट अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो गई है। तो अभी हमारा फ्लावर भी रेडी है। फ्लावर के साथ में हम थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर सॉल्ट हम हाफ टी स्पून ले रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो सके इसलिए मैंने एक डो रेडी करके रखा है। यहाँ पर जस्ट आपके संग इसका मेथड शेयर कर रही हूँ। ऑलमोस्ट लोग आप लोगों में से जानते होंगे कि फर्मेंटेड ब्रेड का डो कैसे बनाना है। इसे यहाँ पर मैंने व्हीट फ्लावर लिया है, व्हीट फ्लावर ये बिल्कुल बहुत ज्यादा फाइन पिसवा कर लिया है। और मार्केट में जो आ रहे हैं वो मैदे के ही होंगे और वो फ्रोजन है, प्रिजर्वेटिव उनमें गया होगा तो वो नुकसान भी कर सकते हैं, इसलिए आप अपने घर पे फ्रेश इसे बना सकते हैं। यहाँ पर शुगर और ईस्ट के साथ में बना हुआ ये जो मिक्सचर है इसे डो में ऐड कर देंगे, फ्लावर में। ध्यान रखना है कि जो ब्रेड का डो बनता है उससे ये डो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जिस तरीके से कुलचे वगैरह का रेडी करते हैं तो आप एक ऑप्शन और भी ले सकते हैं इसे। आप अगर ईस्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप कर्ड के साथ में इसे नीड करके रख सकते हैं और उसके बाद बाकी इस प्रोसेस को हाथ से करना होगा। डो नीडिंग का वर्क थोड़ा सा मैश्योर होता है लेकिन परफेक्शन हाथ से ही आता है। इस तरीके से डो की मिक्सिंग हो गई है, अभी नीड कर लेते हैं। यहां पर मैंने लिया है अमूल का बटर, देख सकते हैं। अमूल के बटर के साथ में इसे थोड़ा सा नीट कर लेंगे और यहां पर मैंने ये रोटी बनाने वाला चकला जो होता है पत्थर का वो लिया है। इसे बेसिकली इस वर्क को ब्रेड नीडिंग का जो डो रेडी करने के लिए आप किचन के प्लेटफॉर्म पे करेंगे स्लैब पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे लाइव में शो करना है और मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पत्थर पे इसका जो रिजल्ट है डो नीडिंग का वो ज्यादा अच्छा आता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून बटर लिया है मैंने।
ब्रेड का ये डो है, इसे नीड करके साइड में रख देंगे, उसके बाद हम अपनी फिलिंग को कवर करेंगे। कम से कम 5 मिनट तक नीड करना जरूरी है, जिससे इसमें ग्लूटेन डेवलप हो जाए, और जब ये फ्लेक्सिबल दिखने लगेगा तब खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी और हाथ में जो स्टिकनेस है वो नहीं आनी चाहिए। पाम की हेल्प से करें। दो नीडिंग का वर्क मशीन होता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी पूरे परफेक्शन के साथ में बिल्कुल हाथ गंदा नहीं हुआ है, और हमारा जो डो है वो भी रेडी हो गया है। एक कप फ्लावर में मैंने लिया है 1 टीस्पून ईस्ट। इसका मेजरमेंट बता देती हूँ, अगर आप में से किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो एक कप फ्लावर के साथ में, जो कि 200 ग्राम का कप था, उसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून ईस्ट, 1 टीस्पून ईस्ट, 1/2 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून शुगर एंड 1/2 टीस्पून फ्लावर के अंदर डो गया है, सॉरी सॉल्ट गया है यहाँ पर। इस तरीके से प्रोसेस को कंप्लीट करें। ये देखिए डो रेडी हो गया है, अब हम इसे कवर करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है बोल को अच्छी तरीके से कवर कर दें और इसे आधे घंटे के लिए यूं ही वार्म प्लेस पर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। टेम्परेचर अगर सर्दियों में रख रहे हैं तो फिर आपको माइक्रोवेव के अंदर, माइक्रोवेव चलाना नहीं है, माइक्रोवेव के अंदर आप इसे रख सकते हैं। अदरवाइज अगर गर्मी पड़ रही है तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। तो अभी हमारी जो फिलिंग है, फिलिंग रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर आई थिंक क्लियर है आप लोगों को। पैन को यहाँ पर मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। फिलिंग के लिए हमारे पास सोया का जो
सोख करके लिया है, ये देख सकते हैं इसको बिल्कुल ड्राई हो गया है, पानी नहीं है इसमें बिल्कुल। तो क्योंकि हम बटर बाव मोमो बना रहे हैं, सॉरी बटर बाव बन बना रहे हैं, इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून अमूल का बटर और इसे अच्छे से साथ ही में इसे बटर को जलने से बचाने के लिए अगर बटर डालेंगे डायरेक्ट तो बटर जल सकता है, तो थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले ऐड करेंगे ग्रीन चिली, ये बिल्कुल फाइन काट के ली हुई है, पहले मैंने इसलिए ऐड करी क्योंकि इसमें हम रेड चिली पाउडर नहीं ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेड चिली पाउडर नहीं ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा तीखा हो जाए। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक बटर, गार्लिक के साथ में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। यहाँ पे मैंने बहुत ही फाइन करके लिया है गार्लिक, तो बटर की ये फिलिंग जो है ना ये बहुत ही टेस्टी सी बनने वाली है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, गार्लिक जो है हमारा गार्लिक भी अच्छी तरीके से यहाँ पर हो गया है। अब हम इसमें अनियन ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने एक छोटी प्याज चॉप करके ली है, बटर गार्लिक अनियन ये सब का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा, अच्छी सी खुशबू आ रही है, अरोमा आ रही है। जैसे ही अनियन हमारा इसमें ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, हम यहाँ पर ऐड करेंगे फाइन चॉप की हुई कैबेज, ये देख सकते हैं। क्योंकि वेज कीमा बना रहे हैं तो फिर यहाँ पर हम वेज में ऐड कर रहे हैं कैबेज, आप इसमें कैरेट भी ऐड कर सकते हैं, फाइन चॉप की हुई बीन्स भी ऐड कर सकते हैं। बीन्स, गाजर और क्रश करके आप ग्रीन पीज ऐड कर सकते हैं, जो भी वेजीज आप साथ में ऐड करना चाहते हैं अपने एज पर योर चॉइस ऐड कर सकते हैं। का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है कैबेज का उसे सारा रिलीज कर देंगे। जिससे सॉगीनेस नहीं हो,
कांधा जो है वो देख सकते हैं आप, इसमें अच्छे तरीके से कैबेज का पानी सारा उसमें जल चुका है। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे साथ में यहाँ पर थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करेंगे, चिली सॉस, साथ ही में रेड चिली सॉस, और अब इसमें ग्रेट करके जिंजर लेंगे। जिंजर पहले यहाँ पर मैंने नहीं डाली है, पहले नहीं डालना है, जिससे इसका फ्लेवर इसमें अच्छी तरीके से, थोड़ा सा जो रॉ जिंजर का फ्लेवर होता है ना, हमें वो चाहिए, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे डेवलप कर सकते हैं। साथ में मेरे पास है सॉल्ट, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, फिलिंग को अच्छी तरीके से भून लेना है। यहाँ पर हमारे पास दो एलिमेंट रेडी हो गए हैं, एक तो फिलिंग रेडी हो गई है और दूसरी जो हमारा ब्रेड का डो है, दोनों रेडी हैं। अभी ब्रेड को स्टीम करने के लिए, चूंकि ये स्टीम प्रोसेस के जरिए बनेगा, तो यहाँ पर स्टीम करने के लिए हम पानी को रखेंगे और तब तक इसकी फिलिंग के साथ में उसे फिल कर लेंगे। इनको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, बहुत टेस्टी बनके रेडी हुई है ये फिलिंग। बावन के साथ में यहाँ पर एक फिलिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अगर चॉकलेट बावन बनाना चाहते हैं तो फिर आप चॉकलेट की फिलिंग के साथ में, चॉकलेट के साथ में कोई ड्राई फ्रूट ऐड करके वो भी बना सकते हैं और फ्रेश फ्रूट के साथ भी बना सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या चाहिए और कैसा टेस्ट पसंद है। स्टीमिंग के लिए हम यहाँ पर पानी रखेंगे,
फिलिंग देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और अच्छी फिलिंग तैयार हो गई है। इसे साइड में रखेंगे जब तक ये ठंडी होगी। यहाँ पर स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्लैट बर्तन में पानी रखा है। स्टीमर चूंकि इंडक्शन पे नहीं करता है तो इस तरीके से जुगाड़ वाला स्टीमर बनाएंगे और इसे साइड में थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा इसे ग्रीस कर दे रहे हैं। कवर करके हम साइड में रखते हैं। जब तक हमारा जो पानी है वो गर्म हो रहा है स्टीम करने के लिए तब तक हम यहाँ पर बावन का प्रोसेस आगे कर लेते हैं। ब्रेड का डो जो मैंने अभी आपके सामने नीड किया उसे मैंने रखा हुआ है आधे घंटे के लिए। इसे ओवन में रख देंगे। ध्यान रखिए ओवन चलाना नहीं है, सिर्फ वार्म प्लेस चाहिए इसलिए रखा हुआ है। थोड़ा सा बारिश की वजह से जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने जो लगा के रखा है वन कप फ्लावर के साथ में, अब हम इसकी एयर रिलीज करेंगे और साइड से कलेक्ट करते हुए इसका डो थोड़ा सा ऐसा लगाना है कि बहुत ज्यादा स्टिकी नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे मिल्क का इस्तेमाल किया था, आप अगर पानी के साथ बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। जिस तरीके से बर्गर बन का साइज होता है बस वैसा लेना है। मोमो के लिए जो तैयार करते हैं उसमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर हमने क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं। रेसिपी कैसी लग रही है बनने के बाद इसका रिजल्ट आपको फाइनली दिखेगा। यहाँ पर एक कप फ्लावर के साथ में आप देख सकते हैं कि हमने सिक्स पाव रेडी किए।
तरफ हमारा स्टीमर जो है वो भी रेडी हो गया है। थोड़े से फ्लावर के साथ में यहाँ पर डस्ट करेंगे और इसे रोल कर लेंगे। इसे थोड़ा सा इसकी फिलिंग को साइड थोड़ी सी पैक करेंगे जिससे ओपन नहीं होने पाए। और जिस तरीके से मोमो बनाते हैं तरीके से बावन बनाकर सील करेंगे। देख सकते हैं आप इसका शेप। बस इसी तरीके से बाकी के भी रेडी कर लेंगे जल्दी से। थोड़ा सा साइड इसलिए लगाएंगे इसमें जिससे ये अच्छी तरीके से सील हो जाए। साथ ही साथ इसे स्टीमर में रखते जाएंगे। स्टीमर में रखने से पहले मैंने ग्रीसिंग तो करी थी लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें क्लीन रैप लगा देते हैं जिससे नीचे चिपकने से बच जाएगा।
आप इसे इस तरीके से बनाकर और कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए रख सकते हैं, जिससे इसका जो सेकंड प्रूफिंग है वो थोड़ा सा हो जाएगा। और यहाँ मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए हम इसे नहीं रख रहे हैं, और ना ही इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है ज्यादा टाइम रखने की। बस ब्रेड का टेक्सचर अगर अच्छा चाहिए तो आप रख सकते हैं 5 से 10 मिनट, नहीं तो ये एक स्टीम प्रोसेस के जरिए रेडी किया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लफी होने की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट रखने की जरूरत है इसे। इसे चेक कर लेते हैं कि इसका टेक्सचर देख सकते हैं साइज में, ये स्टीम होने के बाद में और काफी अच्छी खुशबू आ रही है। इसे स्टीम होने देते हैं। आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। कंफ्यूजन, हेलो रजिया आंटी, हेलो। रेसिपी फिनिश होने के बाद आपने ज्वाइन किया, कोई नहीं। कैसी हैं आप? जैसे ही ये डन होगा हमारा स्टीमिंग प्रोसेस, उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आज बनाया है वेज कीमा बाव बन, जो कि स्टीम प्रोसेस के साथ में तैयार किया जाता है। चाइनीज रेसिपी है और इसके अलग अलग शेप भी होते हैं। तो फाइनली मैं लास्ट में एक दो शेप और आपके संग क्लियर करूंगी, जो कि ताइवान में जो इस तरीके का मिलता है वहां पे जो शेप होता है वो रोटी को जैसे बेलते हैं ऐसे बेलने के बाद में और उसे फोल्ड कर देते हैं, लाइक अ टाकोस, वो वैसा दिखता है। तो यहाँ पर इसे बनाने की जो प्रोसेस है हम रिपीट कर देते हैं। डो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया था 1 कप फ्लार। 1 कप फ्लार के साथ में मैंने उसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया था, और ये जो मेजरमेंट है ये बिल्कुल इक्वल है कि 1 कप फ्लार के साथ, यानी 200 ग्राम का हो या 250 ग्राम का हो, आप उसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालें, बिल्कुल बराबर रहेगा। और साथ ही में 1 टीस्पून ईस्ट को हमने वार्म मिल्क के साथ में 1/2 कप, यानी 100 ml मिल्क के साथ में 1 टीस्पून ईस्ट लिया था, ड्राई इंस्टेंट ईस्ट, और शुगर 1 टीस्पून अच्छे से डिजोल्व कर ली और उसको ग्रूमिंग के लिए रख दिया मैंने। और उसके बाद में जैसे ही हमारी ईस्ट जो है एक्टिवेट हो गई, तब हमने इसको फ्लावर में ऐड करके एक अच्छा सा डो लगा लिया। और अगर आप ईस्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप कर्ड के साथ में भी बना सकते हैं। तो आप कर्ड फ्लावर में कर्ड लें, फ्लावर में कर्ड जाएगा सेम रेशियो में जितना मिल्क लिया था, 100 अगर 200 ग्राम फ्लावर है तो 1 ml दही ले लें, और दही के साथ में उसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, यानी 1/2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून, ये दोनों का रेशियो उसमें डालकर और अच्छे से जब ही नीड करेंगे, जिस तरीके से भटूरे के आटे को नीड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, या फिर नान वगैरह बनाते हैं तो आप दही के साथ में बना सकते हैं। और काफ़ी अच्छी हेल्दी रेसिपी हो सकती है दही के साथ में। और नीडिंग के टाइम में बटर का इस्तेमाल ज़रूर करें, उससे उसमें मॉइस्चर क्रिएट होता है और अच्छा सॉफ्टनेस भी आती है।
फर्स्ट प्रूफिंग के लिए कवर करके उसे आधे घंटे के लिए रख दे, आधे घंटे के बाद में आप उसकी सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे जो फिलिंग बनाई है वो सोया कीमा की फिलिंग बनाई है, वेज कीमा बनाना था जिसमें मैंने ऐड किया है यहाँ पर कैबेज का फाइनली चॉप की हुई कैबेज ली हुई है। आप यहाँ पर कैबेज के साथ में बीन्स, गाजर, कॉलीफ्लावर एंड ऑल एज पर योर चॉइस यू कैन यूज एनी वेजिटेबल्स, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। एंड चॉप बटर लगभग 2 टेबल स्पून बटर मैंने यहाँ पर लिया था क्योंकि हम यहाँ बेसिकली बटर बाउबन बना रहे थे, तो 2 टेबल स्पून बटर में हाफ टी स्पून ऑयल ऐड करेंगे जिससे वो जलने से बचा रहे। उसके बाद उसमें मैंने ग्रीन चिली ऐड करी है, अनियन ऐड करी है, चॉप की हुई गार्लिक ऐड करी है। जैसे ही ट्रांसलूसेंट ऑनियन होना शुरू होगा उसमें हम ऐड करेंगे कैबेज, ऑल वेजीज ऐड कर सकते हैं। उस टाइम पे हमें वेजीज के पानी को जलाने की जरूरत है, जैसे ही वो थोड़ा ड्राई होने लगेगा हम वहां पर ऐड करेंगे सोक किया हुआ जो क्रीम सोया ग्रेन्यूल लिया है वो ऐड करेंगे। आप अगर नॉन वेज फिलिंग के साथ जाएंगे तो भी ये बहुत टेस्टी बनता है, तो जो लोग पसंद करते हैं वो बना सकते हैं। एंड उसके बाद फिलिंग में सोया सॉस ऐड करेंगे, चिली सॉस ऐड करेंगे और स्वीट चिली सॉस, रेड टोमेटो चिली सॉस होती है वो ऐड करेंगे टेस्ट के लिए, और साथ ही में अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट जाएगा। उसके बाद आपका फिलिंग को अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है। टेक्सचर एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे फिलिंग को अच्छी तरीके से भून लेना है और भूनने के बाद आप देख सकते हैं ये एकदम ड्राई हो गया है, बिल्कुल भी सॉगीनेस नहीं है। सॉगी रखेंगे तो बाव अंदर से सॉगी हो जाएंगे, तो वो एकदम ड्राई होना चाहिए। इस यहाँ पे मैंने एक फिलिंग के साथ में, बाकी आइडियाज बहुत सारे हैं, आप और अदर फिलिंग के साथ जा सकते हैं, नॉनवेज के साथ जा सकते हैं, पनीर चीज के साथ जा सकते हैं एंड आप चॉकलेट और फ्रेश फ्रूट के साथ भी बना सकते हैं। चॉकलेट बाउबन तो मार्केट में भी अवेलेबल है, काफी ये देख सकते हैं कितना अच्छा स्टीम होके रेडी हुआ है, तो अभी हम प्लेटिंग करते हैं। आशा करती हूँ कि जो रेसिपी मैंने बताई है आज आप लोगों को वो पसंद आई होगी और कुछ अलग हटके थी। इसे हम यहाँ पर सर्व करने वाले हैं सेजवान चिली सॉस के साथ में, सेजवान चिली गार्लिक सॉस के साथ में यहाँ पर हम इसे सर्व करेंगे। बाकी इसकी जो सॉस है वो आप बना भी सकते हैं, यहाँ पर वक्त नहीं है इसलिए मैं इसे बना नहीं रही हूँ। साथ में इसमें कुछ सैलेड, हेलो शिरीन जी, हेलो। मैंने आज बनाया है यहाँ पर वेज कीमा बाउबन, तो अभी उसकी जस्ट प्लेटिंग स्टार्ट कर दी है, प्लेटिंग कर रही हूँ मैं, फिनिश हो चुकी है रेसिपी, मैंने रिपीट कर दी है यहाँ पर।
थोड़ा सा इसे कलरफुल बनाने के लिए। ये रेसिपी हमारी बनकर रेडी है, वेज कीमा बाव बन। तो यहाँ पर एक मैं कट करके भी दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा आया है। देख सकते हैं ब्रेड काफी अच्छी फ्लफी हुई है, और इसे अगर सेकेंड प्रूफिंग के लिए रखेंगे और फिर इसको अगर बेक ये करेंगे स्टीम करेंगे तो इसका रिजल्ट और भी अच्छा आएगा, यानी और भी अच्छे से ये देख सकते हैं। थैंक यू। देखिए आज की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है, और आशा करती हूँ कि आज की जो बावन की रेसिपी है वो आप सभी को पसंद आई होगी। इसे आप डिफरेंट डिफरेंट फिलिंग के साथ बना सकते हैं, तो बना के जरूर ट्राई करिएगा। और भी अच्छी रेसिपी जानने के लिए आरजी कलिनरी यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, एंड फेसबुक पेज पर भी आपको यूनिक रेसिपी मिलेगी, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस लेना चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन होम शेफ ट्रेनिंग प्रोग्राम आरजेएस कलिनरी की तरफ से करवाया जाता है, तो आप यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए मुझे मैसेंजर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड मैसेंजर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सभी ने अपना वक्त निकाल के ज्वाइन किया। बाय एवरीवन।